लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नायब सिंह सैनी ने उसी दिन नए सीएम के तौर पर शपथ ली। पहली बार खट्टर के विधायक चुने जाने से उनके पहली बार सीएम बनने पर भी सभी को हैरानी हुई थी। और ऐसे ही जब इसी साल हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं तो उनके सीएम पद से इस्तीफा देने पर भी सबको हैरानी हुई। खैर आखिर क्या वजह हो सकती है जो मनोहर लाल खट्टर बैकफुट पर आ गए, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अगर मनोहर लाल खट्टर ने लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया होता तो वो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 9 साल 7 महीने और 21 के लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते थे। 26 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री पद संभालने वाले खट्टर 9 साल 4 महीने और 16 दिनों तक पद पर रहे। खट्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब नौकरी घोटालों के मामलों ने हरियाणा सरकार को हिलाकर रख दिया और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। किसानी खेती करने वालों के बीच भी खट्टर अपना सपोर्ट खोते चले गए। 2020-21 वाले किसान आंदोलन के दौरान तो उन्हें अपने ही राज्य में यात्रा करना तक मुश्किल हो गया था। माना यह जाता है कि भाजपा इतने लंबे वक्त तक खट्टर के साथ इसीलिए बनी रही क्योंकि उनके पास कोई और नहीं था जिसे वो खट्टर की जगह दे सकें। गैर जाट मतदाताओं के साथ उनके जुड़ने और उन्हें भाजपा के पक्ष में एकजुट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें पार्टी का प्रिय भी बना दिया। जबकि हरियाणा की राजनीति में लंबे वक्त से प्रभुत्व रखने वाले जाट समुदाय ने खट्टर से मुंह मोड़ लिया। मार्च 2017 को छोड़कर जब लगभग 16 भाजपा विधायक विद्रोह करते दिखाई दिए, गठबंधन को बनाए रखने के लिए दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी और स्वतंत्र विधायकों पर निर्भर होने के बावजूद खट्टर को अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कई लोगों का मानना है कि हरियाणा में विपक्ष खासकर कांग्रेस का बिखराव और मोदी फैक्टर था जिसने पिछले 9 सालों के दौरान कई मौकों पर खट्टर को चुनौतियों से बचाया है। कुल मिलाकर काफी कुछ हासिल कर भी मनोहर लाल खट्टर को जाटों का सपोर्ट न मिलना और जॉब स्कैम जैसे मामले भारी पड़ गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।